पहला दिन था जब टाइम टेबल प्रॉपर आया था, एक भी क्लास नहीं लगी। आज लग रही हैं थोड़ी बहुत क्लासेस लग रही हैं आज, पर सारी नहीं लग रही हैं, थोड़ी बहुत लग रही हैं। तो बढ़िया गैरी, आप लोगों की वजह से गैरी एक नाम बना, लोग पहचानने लगे, लोग मिलने लगे। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू गैरी अमृतसरिया। तो आज जरा राउट क्लास में चलते हैं और जो नए सेशन में नए बच्चे आए हैं उनसे मिलते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है, वो काम निपटा पे और निपटा के और उसके बाद फिर मिलते हैं। राहुल भी वैसे सुबह ही निकल गया था तो मैं भी वैसे रेडी होकर निकल रहा था। चार बार तो अभी मैं लॉ फैकल्टी आया था और मेरे साथ कौन है? देवेंदर, देवेंदर द बॉय। देवेंदर वैसे हमारा टाइम टेबल और क्लासेस शुरू तो नहीं हुई, लेकिन देवेंदर पढ़ने आता है लाइब्रेरी में। बिल्कुल, सीएल में। सीएल मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी। अच्छा, ऐसे क्या ना यार ब्रो, लाइब्रेरी में तो सेकंड ईयर में तेरे को ये नहीं पता सीएल का मतलब क्या? नहीं भाई, मैं शॉर्ट फॉर्म में गाइस, ये कैसा इन्फ्लुएंसर है आपका? मैं सीएल पूरा सेंट्रल लाइब्रेरी बोलता हूं। ये कैसा इन्फ्लुएंसर है? मैं सेंट्रल लाइब्रेरी बोलता हूं। शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। आईपीएल बोलते हैं लोग, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं बोलते हैं। आरबी का क्या, वो क्या कहेंगे? रिजर्व बैंक राहुल मिश्रा बोलूंगा। रिजर्व बैंक ब्रो, नहीं नो ब्रो, रिजर्व बैंक। अब आरबी से तो कोई समझ नहीं पाएगा आपको। आज आप यूनिफॉर्म में क्यों आए हो सर? काम थे थोड़े। क्या काम थे सर? क्लास से तो आपकी लग नहीं रही। अब यूनिफॉर्म में क्या करने आया? एक्चुअली मेरा जो दूसरा कोट था ना वो रह गया था घर, और मुझे आज किसी के घर जाना था, मैं गया यही कोट डाल दिया। आज इंट्रो था ना? या नहीं नहीं, इंट्रो तो हो गया, मैंने भी उस दिन भी आया। नहीं आज अच्छी हुई है। हाँ ज़्यादा अच्छी, आज ज़्यादा अच्छी। आज तो आप सब लोगों से मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। राहुल भी मिला? नहीं मुझसे कोई नहीं मिला। ये तुम्हें क्या है इनके लगाइए? मुझसे कोई नहीं मिलता सर, ऐसी बात है। आई एम अ बाय प्रोडक्ट टू दिस चैनल। बाय गाइस। वो बाय प्रोडक्ट नहीं, एंड प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट ही हूँ भाई मैं तो, है ना? सब प्रोडक्ट है भाई, मैं खुद प्रोडक्ट ही हूँ। तू ब्रांडेड प्रोडक्ट है भाई, हम क्रियाने वाले प्रोडक्ट हैं भाई, फर्क होता है। चल शुक्र है, समझ। वैसे बाहर की चीज़ें और अच्छी चल जाती हैं। क्या बाहर की चीज़ें और अच्छी चल जाती हैं? तो यार हम सीएलसी के सामने बैठे हैं, और यहाँ पे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, लॉ की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहाँ बेंच है पीछे सीएलसी में, जगह वहाँ पे, मतलब मैं इमेजिन करता था अपने आप को कि मैं वहाँ बैठूँगा और कभी मैं लॉ का स्टूडेंट होऊंगा। आज राहुल भी लॉ का स्टूडेंट है, और इसने अपने बाकी सब तो आई कार्ड और वो सब चीज़ें तो ले ली हैं, क्लासेस भी आजकल ले ही रहे। और अभी चल नहीं रही क्लासेस? हाँ अभी शुरू में तो क्या ही है, तो अगर आप बहुत दूर रहते हैं ना, अगर आपका घर बहुत दूर है तो कोई बात नहीं, एक हफ़्ता रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट मैंने रील में भी एक बताया था कि यार पहले दिन से कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन से। कल पहला दिन था जब टाइम टेबल प्रॉपर आया था, एक भी क्लास नहीं लगी। आज लग रही हैं थोड़ी बहुत क्लासेस लग रही हैं आज, पर सारी नहीं लग रही हैं, थोड़ी बहुत लग रही हैं। तो बढ़िया यार, और आप सबसे यू नो जो नए हैं, जूनियर्स आए हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सब आके मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट राहुल से भी मिल रहे हैं, बड़ों ने तो राहुल का नंबर लिया। राहुल सर भाई सही में भाई बोल लिया करो यार। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एज अ पर्सन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और चलो अगर 1% भी मैं आपको कुछ बता पाया अपने ब्लॉग्स के थ्रू, जो आपने मुझे बताया, मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए, थैंक यू। और बस अभी कल अमृतसर के लिए निकलेंगे। मेरा भाई मुझे छोड़ गाइस, कुछ दिन ब्लॉग्स नहीं आएंगे भाई। नहीं आएंगे पर अमृतसर के आएंगे। अमृतसर की ट्रेवल सीरीज आएगी। हाँ अमृतसर की। मैंने ये यूट्यूब चैनल पे जब शुरू किया था तब भी सबसे पहले अमृतसर का ही बनाया था, अब भी अमृतसर का दोबारा से बना रहा हूँ। पर अब क्या सात अंकित है वो और ज़्यादा मज़ेदार बनेगा यार, मैं होता तो और भी ज़्यादा मज़ेदार होता। पर ऐसी चीज़ें हम कट करनी पड़ती, कट करनी ब्लॉग पे दिखा नहीं पाते, हम ब्लॉग पे दिखा नहीं सकते। सही बात है। तू भाई तू रूम में रहेगा भाई? मैं तो आ गई। अबे नहीं, अबे यार मैं बहुत अच्छा। ये कैमरा थोड़ा वो है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं जज कर लिया था इंस्टाग्राम पे कम पोस्ट पे। हाँ जज कर लिया। तो इसकी इंस्टा वो जरूर डालियो तू प्रोफाइल यहाँ पे। पर विनीत कौन से सेक्शन में? LC1F सेक्शन और विनीत मैं देता हूँ। मैंने तो बोला नहीं जाता। विनीत इज माय फ्रेंड फ्रॉम स्कूल डेज,
इंग्लिश अच्छी है ना, अब हिंदी पे आते हैं। नाइन्थ क्लास से मेरा दोस्त है, हम हॉस्टल में थे, 9, 10, +1, +2। उसके बाद इसकी ग्रेजुएशन रामजस से हुई, वहाँ हम अलग हो गए, अब हम फिर से साथ हो गए हैं। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, पिछड़े दोस्त फिर से मिल गए हैं। ठीक है, कोई नहीं, ये तो मैं एडिट कर दूँगा। अभी अर्ली मॉर्निंग, अमृतसर के लिए भी निकलना, घर की लाइट खराब हो गई बाद में, तो पैकिंग कुछ भी नहीं हुई। मैं और अंकित बस जा रहे हैं अमृतसर, वहाँ हमें सुखदीप, हमारे जितने भी दोस्त हैं दशमी, तो और भी बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। अगर व्लॉग बन सका और बना, जो कि मैं बनाऊंगा व्लॉग तो बनाऊंगा, लेकिन वो अगर आए सामने कैमरे के और व्लॉग में, तो मैं ज़रूर आप सबसे भी मिलाऊंगा। और बस कुछ नहीं, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे है, कोई पैकिंग अभी तक हुई नहीं, करूँगा अभी। अंकित सुबह अपने पास 6:30 बजे तक आ जाएगा, फिर हम इकट्ठे मेट्रो स्टेशन, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन, पुरानी दिल्ली से ट्रेन पकड़ के आगे जाएंगे। तो लेट्स होप कि ट्रिप बहुत अच्छा ही रहे और ज़बरदस्त रहे, फिंगर्स क्रॉस्ड। बेसिकली यूजुअली जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना गाइस, तो या तो मैं ये रेड टैची ले कर ट्रैवल करता हूँ, जो कि ये है, या फिर ब्लू बैग ले कर ट्रैवल करता हूँ, जो कि ये है। और अभी मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि क्या ट्रैवल क्या लेके जाऊँ। बाकी टेची शायद उठाना, अंकित भी लेके आ रहा है, तो टेची उठाना शायद मुश्किल हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ब्लू बैग में ही पैकिंग की जाए। बाय द वे, मेरे फ्रेंड सुखदीप है, जो आप सबने ब्लॉग्स में देखा ही होगा, तो उसके उसका बर्थडे था 2-3 दिन पहले ही, उसका बर्थडे निकल गया, ये उसके लिए कुछ गिफ्ट लिया। तो मुझे बहुत टाइम से जानते हैं और बहुत टाइम से ब्लॉग्स देख रहे हैं, वो गेस कर सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो जल्दी से ज़रा कमेंट करो और मुझे बताओ कि इसमें क्या हो सकता है, जो अभी नहीं दिखाऊंगा, जब उसे दूंगा तब दिखाऊंगा आप सबको। अब गेस करो भी इसमें क्या। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करना, मैं बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं बोल रहा। और मतलब वैसे यार ये फ़ोन टेढ़ा क्यों है, चलो कोई नहीं, शायद वो फ़ोन ऐसे टेढ़ा पड़ा रिंग लाइट के कारण। तो मेरी बात का प्लीज़ यकीन करना, मैं ये जो वीडियो का पार्ट है ये सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ आप सबको थैंक यू करने के लिए। मैं भी आप ही की तरह एक बिल्कुल ही नॉर्मल बिल्कुल ही सिंपल यू नो एक पर्सन हूँ, जो आउट ऑफ दिल्ली, पंजाब अमृतसर से दिल्ली में पहले ग्रेजुएशन करने आया, उसके बाद फिर लॉ में आया। और लॉ से पहले मैंने, इस चैनल से पहले मैंने एक चैनल शुरू किया था इन्फॉर्मेटिव लर्निंग, और जो मैं पहले चलाता था कोविड के टाइम चलाता था, कुछ तब करने के लिए था नहीं और कुछ प्रोडक्टिव करना चाहता था, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता था, तो इसलिए वो इन्फॉर्मेटिव लर्निंग मैंने चैनल शुरू किया, जिस पे मैंने बहुत मेहनत की, बहुत बहुत हार्डवर्क किया। लेकिन मैं एज अ पर्सन अपनी लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीखी है मैंने, और बहुत अच्छे से मानता भी हूँ इसे, कि अगर मैं गलत डायरेक्शन में अपना काम करता जाऊँगा चाहे जितना मर्ज़ी हार्डवर्क कर लूँ, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरा पेपर कल साइंस का है और मैं पढ़ता मैथ्स ही जा रहा हूँ, बहुत हार्डवर्क किया, पूरा हार्डवर्क है, लेकिन मुझे जो रिक्वायर्ड है वो कुछ और है, और हार्डवर्क मैं कहीं और कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी लाइफ को देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इन्फॉर्मेटिव लर्निंग चैनल पे मैंने बहुत हार्डवर्क किया, जिसका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया। हार्डवर्क किया लेकिन सबने किया, इनफैक्ट मेरे फैमिली रिलेटिव सब ने किया, फ्रेंड्स ने, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आया। उसके बाद जब मैं लॉ में आया, सिर्फ ऐसे ही बस एक चैनल शुरू कर दिया बिना कुछ सोचे, व्लॉग्स का, बिना कुछ सोचा, कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं पता था, बस फ़ोन था मेरे हाथ में, ये जिस फ़ोन से आज भी फर्स्ट व्लॉग भी इसी से बनाया था, आज भी व्लॉग इसी से बनाता हूँ, जो मेरा अपना खुद का पर्सनल मोबाइल है, इसी से व्लॉग करना शुरू कर दिया और ऐसे ही बनाना शुरू हो गया। कुछ नहीं सोचा, जो जो मिलता था बना देता था, जो आता था बोल देता था, पता नहीं सही बोला गलत बोला कुछ नहीं पता, बस करता गया। और धीरे धीरे हर एक व्लॉग के साथ आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला। मुझे याद है कि जब मैं व्लॉगिंग चैनल जब थोड़ा शुरू कर दिया था, तो मैं माइंड में थोड़ा सा मेरा ऐसा था कि यार भी मेरी कॉलेज लाइफ कौन ही देखना चाहेगा, या मेरी लॉ की लाइफ कौन ही देखना चाहेगा। मैं तो ऑफकोर्स दिल्ली देखने सब मतलब जो व्यूअर्स हैं वो ऑफकोर्स दिल्ली ही देखना चाहेंगे, मुझे कौन ही देखना चाहेगा। लेकिन ऑपोजिट, क्वाइट ऑपोजिट हुआ। मैं जितने भी दिल्ली के व्लॉग्स बनाता था या दिल्ली को दिखाने की कोशिश करता था, वो कोई भी वीडियो नहीं चलती थी और कोई भी नहीं देखता था। सबको इंटरेस्ट था मेरी कॉलेज लाइफ में, मेरी लॉ की लाइफ में। इनफैक्ट मेरे जो खुद के सीनियर्स हैं वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि ऐसे किस मतलब बहुत सब ने मुझे वो कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे आज भी याद आए कि बहुत अच्छे लगते हैं, कि किसी ने भी लॉ की ऐसी अपनी कॉलेज लाइफ को ऐसा नहीं दिखाया, स्पेशली DULLP को, जो मैं दिखा रहा हूँ, जो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था। तो ऐसे ही व्लॉग का सिलसिला शुरू हुआ और आज जब आप सब लोगों से मिलता हूँ, जब मैं अपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से मिलता हूँ, जब जो जूनियर्स हैं उनसे मिलता हूँ, तो यार
हर एक पर्सन आके मुझे मिलता और वो हर एक पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि यार कि हमने लॉ आपकी वजह से की, जो कि मैं नहीं मानता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि कोई अपना कोर्स मेरी वजह से चूज़ कर रहा है। अगर इसमें से 10% भी सच है ना तो यार मेरे लिए इससे खुशी वाली बात कोई नहीं है। कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, बस इसी में मेरा ब्लॉगिंग करियर पूरा हो गया कि मेरी वजह से कोई इतना ज़्यादा इंप्रेस हो रहा है या इतना मोटिवेट हो रहा है कि वो लॉ कर रहा है। दूसरी बात, जब भी आप मुझसे मिलते हैं और आप मुझे कहते हैं कि मैंने बहुत गाइड किया, सब कुछ किया, तो थैंक यू सो मच यार आप सबको। थैंक यू, जितना ज़्यादा थैंक यू करूँ उतना ही कम है, क्योंकि मैं गैरी आप लोगों की वजह से गैरी एक नाम बना, लोग पहचानने लगे, लोग मिलने लगे। और जब भी आप सब मिलते हैं आपने देखा होगा कि मैं बहुत ही अच्छे से मिलने की कोशिश करता हूँ, बहुत पोलाइटली मिलने की कोशिश करता हूँ, और जो कुछ आप सब लोगों के लिए हो सके मैं आप सब लोगों के लिए करने की कोशिश करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। कभी ऐसा मेरी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट नहीं आएगा कि मैं इस पोलाइटनेस को, इस कुछ भी कह लो आप, इस चीज़ को कभी भी मैं ग्रेटिट्यूड को छोड़ूंगा, क्योंकि इसी से मैनर्स मेक्स अ जेंटलमैन। सो बस आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ दिल से कि आप सब लोगों की वजह से मैं आज हूँ, और बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना हमेशा, क्योंकि जो भी हैं आप ही हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, आप लोगों की वजह से ही मैं हूँ, वरना मुझे कौन देखेगा, कौन सुनेगा। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल सा ब्लॉग था, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बस थैंक यू कहना चाहता था कि आप सब लोगों की वजह से आज गैरी बन गया, जो गैरी कुछ भी नहीं था वो गैरी बन गया। तो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आई ये शॉर्ट एंड सिंपल सा ब्लॉग और मेरी थोड़ी सी दिल की बातें, अगर आपको बोरिंग लगी तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मैं आगे से नहीं बोलता, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार ही थैंक यू करना ज़रूरी था। तो अगर आपको पसंद लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें टू गैरी अमृतसरी, ऐसे और बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारी कॉलेज लाइफ, मस्ती मजाक, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज सब देखने के लिए, और शेयर करें अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम और ज़्यादा बड़ी फैमिली बने, ताकि हम और ग्रो करें और ज़्यादा खुशियाँ बांटें। और बस थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, खुश रहें, आप भी खुश रहें, पेरेंट्स का भी ख्याल रखें, उन्हें भी खुश रखें, आसपास हमेशा पॉजिटिविटी फैलाते रहें। धन्यवाद, बाय बाय।